हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज के वीडियो के टाइटल जो है ना है भाई साहब, आप सभी के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का मैंने देखा था सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि भाई एक आप वीडियो बनाओ कि भारत यात्रा की जर्नी में आपके पास कितना बजट रहता था और आपने कितना कितना कहाँ पर खर्च किया। तो भाई साहब अगर हम अपनी बजट की बात करें तो हमारी जितनी यात्रा थी ना सारी भैया बिल्कुल जीरो बजट, जीरो से जीरो 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 बजट। हम दिल्ली से बैठे कोलकाता पहुंचे, कोलकाता से बैठे जम्मू पहुंचे और जम्मू में वो भी गए भाई साहब एकदम बढ़िया पे होटल में रुक रहे हैं अच्छा सा, फिर इस तरह से और बजट बात करें एकदम बिल्कुल जीरो। और तो और यार सबसे खास बात भाई साहब ये है ना कि हमको देख करके जो हमारे भारत के हैं युवा लोग इतना ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं ना कि 5 लाख लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, नौकरी चाकरी ये भी छोड़ दिया भाई। और तो और जिनके मम्मी पापा ने भारत यात्रा में नहीं जाने दिया वो यार अपनी मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके और जो एग्जाम उग्जाम दे रहे थे ना 12th, 11th, 12th वाला एग्जाम उग्जाम छोड़ के भारत यात्रा में जुट गए। और बजट एकदम जीरो और सिर्फ सिर्फ चाहिए क्या, एक बोर्ड लिफ्ट मांगने वाला बोर्ड। ओ यार बोर्ड तो यार मैं भूल गया घर पर, नहीं तो मैं वो भी, अरे यार हमारी वीडियो जाके खोलो यार, मैं पीछे 4 महीने से भारत यात्रा कर रहा हूँ भाई साहब, उसमें जाके हमारा बोर्ड दिख जाएगा आपको। और आज हम बात कर रहे हैं ना ट्रैवल विदाउट मनी मलिक अफसार भाई, भाई साहब उनका यार मैं वीडियो देखता हूँ भाई साहब बताते हैं 5 लाख कभी 4 लाख कभी 20,000 लोगों ने घर को छोड़ा है। चलो भाई आज की वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे यार। और खाने के लिए अगर हम बात करें भैया तो इसके बारे में यार हम का ही बोलें, हमारे साथ हैं यार मलिक अफसार भाई हमारे बॉस, इनसे सुनो। क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है ना कि बिना पैसों के ट्रैवल करते हो तो खाना कहाँ पे खाते हो। मैं जितने भी लोग लिफ्ट देते हैं ना, समझो कि मैं पूरी बात तो दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन 80% लोग जो है हमेशा खाने के लिए पूछते हैं, चाय नाश्ता डिनर का टाइम होता है तो वो भी, या घर ले जाने के लिए लोग 25% लोग होंगे जो। अब आओ भाई साहब यार, अभी तो आप सभी लोगों ने मलिक अफसार भाई से सुना, अब आओ आप सभी को यार मिलवाता हूँ सीधे ट्रैवल विद अय्यर, अपनी बहन है जो यार एक मलिक अफसार भाई के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी पूरी ऑल इंडिया। इनसे सुनो भाई साहब कितना बजट लगता है, पहले इनसे सुनो यार के कितने स्टेट कवर हो गए। 13 स्टेट कवर हो गए। कितने रुपए खर्च हुए अभी तक? सिर्फ खाने पे खर्च किया है मैंने लगभग 400 रुपए। अच्छा, और कितने दिन हो गए? 45th डे आज। अरे तेरी तो भाई साहब 13 राज्य घूम चुकी हैं बहन हमारी और 45 दिन लगा है और बजट खर्चे की बात आ रही है भाई साहब सिर्फ 400 रुपए। भाई साहब कितना भी ट्रैवल करोगे ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है 45 दिन में। भाई साहब अगर 100-100 रुपए आपके पर डे खर्च हो रहे हैं तो यार 4500 रुपए हो जाएंगे, लेकिन बता कितनी रही, सिर्फ 400 रुपए। बहन तुम भी कैसी कैसी बातें कर रही हो, ये सारी चीज बताना बिल्कुल भी गलत है। मलिक भाई बहन को जो बता देंगे कि इतना बजट लगा इतना खर्चा लगा तुम उतने ही बता दो तो वो उतने ही बता देंगे भाई साहब। लेकिन भैया मैं आप सभी को जो भी बताऊंगा बिल्कुल राइट बताऊंगा और क्लियर बताऊंगा, अगर आपको समझ में मेरी बात को यार गलत समझ में आ रहा होगा भाई तो आप एक दिन बोर्ड को अपने उठाना, आपके आसपास जो भी सिटी होगी चले जाना थोड़ा सा, तो आपको रियल में अपना एक्सपीरियंस पता चल जाएगा भाई कि कैसा क्या रियलिटी है और ये लोग बताते हैं क्या है यार। चलो यार फाइनली भाई साहब अब मैं आप सभी को अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ कि मैंने जो पिछले 4 महीने तक अपनी भारत यात्रा किया है उसमें कितना खर्चा है, मैं कहाँ पे रुकता था, क्या खाता था, कैसे करता था, ये सारी चीज मैं अब मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। सबसे पहली बात आती है गाइस कि आपको जाने के लिए आप यहाँ से वहां वहां से वहां एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे जाओगे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आपको लिफ्ट का सहारा लेने पड़ेगा, जो हमारा जो लिफ्ट का बोर्ड होगा यहाँ पर वो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा, बिकॉज उससे लिफ्ट लोगे तो आप आराम से इसलिए जा पाओगे, अदरवाइज आप ट्रेन बस वगैरह पकड़ोगे तो आपके बहुत सारे खर्चे होंगे भाई, उसमें तो लिफ्ट आपको मिल जाएगी, मैं इस चीज से पूरा फुल एग्री हूँ। मैं मानता हूँ कभी कभी आप 20 लोगों से मांगोगे तब लिफ्ट मिलेगी, 20 लोगों से लिफ्ट मांगने का मतलब ये है आप ऐसे बोर्ड ले लिए लिफ्ट 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 दिखा रहे हो, रोक नहीं रहे हैं भाई, पढ़ ले रहे हैं आगे निकल जा रहे हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होगा आप निकलोगे जहां पे स्टे किए रहोगे लिफ्ट का बोर्ड निकालोगे तुरंत आपको लिफ्ट मिल जाएगी, बट दैट इज वेरी इजी और दैट इज नॉर्मल यार कि आपके साथ ऐसा होगा अगर आप एक जर्नी पे जाओगे तो ये तो नॉर्मल है हो ही जाएगा। और अब दूसरी बात अगर मैं आप सभी को बताऊं तो खाने के लिए, हाँ मैं मानता हूँ भाई जितने भी लोग आपको मिलेंगे उसमें से सारे लोग मैं आपको बताऊं मानता हूँ 90% लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे भैया कुछ चाय नाश्ता खा लो वगैरह,
तो अगर आप उनसे बोलोगे, जैसे वो लोग आपसे पूछेंगे कि भैया आपने कुछ खाया, तो आप बता दोगे नहीं भैया मैंने नहीं खाया, मैं एक हफ्ते से भूखा हूँ, बिना खाए पिए पूरी ऑल इंडिया घूम कर रहा हूँ। तो भैया ये इंडिया है, हमारे सारे भाई लोग, हम भी इंसान है, सामने वाले भी भाई इंसान है, हमारे पास दिल है, उनके पास दिल है, वो आपको खिलाएंगे 100% श्योर है भाई, ये मान के चलना वो खिलाएंगे आपको। फ्लिक अफसार भाई के अनुसार कि आप एक महीने से कटोरा लेके निकले हो और कटोरा में थोड़ा बहुत खाना था उसको आपने खा लिया है, अब थोड़ा भैया और उसमें डालो। यही चीज है कि एक जो रोड पे रहते हैं भाई, उन लोगों की भी मजबूरी रहती है, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, बट आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग भाई अपना सिस्टम सारा सेट कर लीजिएगा। और मैं अगर अपनी बात बताऊं भाई, तो मेरे हिसाब से एक दिन का खर्चा 200 रुपये मतलब महीने का 6,000 रुपये खर्चा आएगा खाने खाने का। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ भाई, रुकने का तो मैं मानता हूँ, हाँ कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ मिल ही जाएगा यार। और सबसे बड़ी बात, कपड़े वपड़े कहाँ धुलते हो? कपड़े वपड़े धुलने के लिए भैया आपको 5-6 सेट रखना पड़ेगा अपने बैग में, आप बदल बदल के पहनते रहना, चलते रहना, एक हफ्ते में एक दिन कहीं रुक जाना आराम से, वहाँ खाना पीना, अब वहाँ पे रुकोगे कहीं भी, कोई भी जुगाड़ सिस्टम देख के अपने हिसाब से ढाबा होगा, क्योंकि ढाबा बिल्कुल फ्री रहता भाई, ढाबा पे अपने कपड़े लत्ते जो भी हो धुल लेना सारा चीज। और फोन चार्ज करने का आपके पास पावर बैंक रहना चाहिए, कम से कम 2 पावर बैंक रहना चाहिए भाई, और 20,000 mAh का, जो कि आप आराम से चार्ज करते रहो उसी से फोन, और जहाँ पे नाइट में रुकना वहाँ पे अपना रेगुलर पावर बैंक को लगा देना। बाकी बस भाई, इससे ज्यादा कोई भी खर्चा नहीं है। वीडियो भैया पसंद आए, वीडियो को लाइक बटन दबा दिया, चैनल का सब्सक्राइब कर दिया, और जल्दी एक बहुत ही धमाकेदार जर्नी अपने स्टार्ट करने वाला हूँ, और बिल्कुल एकदम डिफरेंट तरीके से, और जुड़ जाओ यार हमसे।